मेडिटेशन, ये शब्द सुनते कई लोग दूर भाग जाते हैं। उनको लगता है कि इतनी छोटी उम्र में जवानी में ध्यान करना, इट्स टू अर्ली फॉर देम। पर दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब लोगों ने, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हैं, बिल गेट्स हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े अभिनेता, राजनेता, बड़े बड़े कामयाब लोग, सब ध्यान मेडिटेशन करते हैं। तो ऐसा क्या रहस्य है, ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या विज्ञान है जो उनको पता है पर आपको नहीं? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का अपना साथी गौरव विग आपका स्वागत करता हूं और बताऊंगा आपको आज वही राज, वही रहस्य जो उन सभी कामयाब लोगों को कामयाबी के शिखर तक ले गया। यदि आप भी उस कामयाबी के स्वाद को चखना चाहते हैं और कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जिन लोगों को लगता है कि ध्यान मेडिटेशन बुढ़ापे में करना चाहिए, उन लोगों को करना चाहिए जो दुनियादारी को छोड़ चुके हैं, जिनका दुनियादारी में कोई मोह इंटरेस्ट नहीं। मैं उन लोगों का यह भ्रम दूर करना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान मेडिटेशन करने का सही समय तब है जब आपके अंदर भरपूर एनर्जी, जवानी में जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, भाग रहा है, जब आपके मन में बंदर घोड़े सब दौड़ रहे हैं, जब आपकी 50-70% एनर्जी आपके मन एंग्जाइटी ओवरथिंकिंग में ही बर्बाद कर रहा है, तब मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत सहायक होगी। क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको आपके अंदर की क्रिएटिव पावर से जुड़ना होगा, और क्रिएटिव शक्ति से आप तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक आप अपनी ओवरथिंकिंग, अपनी एंग्जाइटी को पार नहीं करते, जब तक आप पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हैं, शांत नहीं हैं, आपको आइडियाज नहीं आएंगे। मार्क जुकरबर्ग को, बिल गेट्स को ये आइडियाज कहां से आए जो काम वो आज कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाबी के साथ कर रहे हैं? तब आए जब वो रिलैक्स, वो अंदर जा रहे थे अपने भीतर क्रिएटिव शक्ति से, उस सोर्स से जुड़े। इसलिए मेडिटेशन विल हेल्प यू कि आप अपने अंदर की क्रिएटिव शक्ति से जुड़े। दूसरा, यदि आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना है। यदि आप भी मन बनाना शुरू हो गए हैं मेडिटेशन करने के लिए तो मैं बोलूंगा रुक जाइए, बिल्कुल मेरी बात को पूरा सुने बिना मन ना बनाइए। क्योंकि जब तक आपके पास किसी काम को करने का रीजन नहीं है, आपको यह नहीं पता कि आपको क्या क्या आउटकम्स मिलेंगे, तो आप शुरू तो कर देंगे पर थोड़े ही दिनों बाद छोड़ दें। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप शुरू करें और थोड़े दिनों बाद छोड़ दें। पूरी तरह से जानकारी हासिल करें, जाने व्हाट इज द रीजन दैट यू शुड स्टार्ट, व्हाट विल बी द आउटकम, कि आपको मेडिटेशन करना है उससे आउटकम क्या मिलेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर वन, आपको मेडिटेशन करने से जो आपकी ओवरथिंकिंग है वो दूर हो। 50-70% एनर्जी हमारे माइंड की जो ताकत है, जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो वेस्ट हो जाती है जब हम टॉक्सिक विचारों को ले रहे हैं। व्हेन वी आर स्टक इन अ पैटर्न ऑफ ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसलिए मेडिटेशन विल हेल्प यू कि आप इस टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आ जाए, ओवरथिंकिंग से बाहर आ जाए। दूसरा, आप स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन्स जो आपके शरीर में बन रहे हैं, उन स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, जैसे एड्रेनालाइन, ये हार्मोन जो आपके शरीर में तनाव के स्तर को बढ़ा देते हैं, जिससे हाई बीपी, जिससे डायबिटीज, जिससे और बहुत सी शारीरिक रोग भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं, ये हार्मोन्स का स्तर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। जब इन हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है तो तीसरा फायदा शुरू होता है और वो है हमारी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स, हैप्पीनेस बनाने वाले रसायनों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। इनके बारे में मैं पिछली एक वीडियो में बता भी चुका हूं। ये हार्मोन्स हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एंडोर्फिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इन हार्मोन्स की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है जिससे आप एक अलग ही आनंद, एक अलग ही सुकून, एक अलग ही स्तर पर हैप्पीनेस को महसूस करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता आपके भीतर
अनुभव कर पाते हैं। अदरवाइज क्या हो रहा है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट, एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो मेडिटेशन विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट लूप। और चौथा फायदा होगा ग्रोथ, तरक्की को पाना, जो हम सभी चाहते हैं। तरक्की की परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, परंतु ये कुछ चीजें हैं जो हम सभी को चाहिए खुश रहने के लिए। पहला, अच्छी सेहत, गुड हेल्थ। अगर सेहत खराब है तो आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, तब भी वो करोड़ों रुपए आपको खुश नहीं रख सकते। दूसरा, वेल्थ, पैसा, धन। लोग समझते हैं शायद मेडिटेशन करने वालों का धन से कोई लेना देना नहीं होता है, पर यहां मैं बताऊंगा कि मेडिटेटर के पास धन हो, ये तो इस समाज के लिए, इस संसार के लिए बहुत बड़ी कल्याणकारी बात होगी। क्योंकि मेडिटेटर के पास धन है तो वो इस संसार के कल्याण में खर्च कर रहा है, वो अच्छे अच्छे संस्थाओं का निर्माण कर रहा है, अच्छे कार्यों में धन लगा रहा है। इसलिए आप देखिए, जिन कामयाब व्यक्तियों की मैंने बात करी, उन सबके पास बहुत धन है, वो दुनिया में सबसे अमीरों की सूची में आते। तो इसलिए दूसरा फायदा जो आपको ग्रोथ में मिलेगा वो है धन। तीसरा, कामयाबी, सक्सेस। जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से यूनिवर्स आपको अबंडेंस के साथ जोड़ता है। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके उस रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं, ब्लॉकेजेस दूर होती हैं एंड आप सक्सेसफुल होते हैं। तीसरा, उसके बाद चौथा फायदा यह आता है कि आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आपके रिलेशन अच्छे हैं, हारमोनियसनेस है, मधुरता है, आपका नाम है, आपका नेम, फेम, ख्याति, गुडविल बहुत है बाहर समाज में, सोशल रिलेशंस, सोशल स्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है। और इसके साथ एक बोनस मिलता है, वह है आध्यात्मिक उन्नति। सो दोस्तों, ये सारे फायदे हम में से सबको चाहिए, हम सभी ये सब कुछ चाहते हैं। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये सभी हमारी सबकी चाहते भी हैं, जरूरतें भी। इसलिए मेडिटेशन अवश्य कीजिए। मेडिटेशन कैसे करें, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना करके डाला है, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, या आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा जरूर बताऊंगा इस वीडियो में भी आपको ध्यान के नियम और ध्यान के बारे में। ध्यान के लिए आपको अपनी आंखों को बंद करके एकदम एक रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाना है। रिलैक्स पोस्चर में बैठी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर अपनी गोद में रख लीजिए। कुर्सी सोफा पर बैठे हैं तो पांव के ऊपर पांव को रखिए, अगर नहीं पालथी मारकर बैठे हैं तो उचित। अभी आपको केवल और केवल अपने श्वासों को देखना है जो निरंतर चल रहे हैं, एंड श्वास योर ब्रेथ आपको सहायक होगा आप ही के अंदर ले जाने में। बिकॉज ध्यान में सबसे पहले जो बाधा आती है वो है आपकी बॉडी, आपकी बॉडी ही हिलती जुलती रहती, पर वहां पर आपको एक काम करना है, थोड़े दिन की प्रैक्टिस कि आपको रिलैक्स होकर के एकदम स्थिर बैठना है। अगर आप हिलते रहेंगे तो आपका मन भी टिक नहीं पाएगा, इसलिए मन को रिलैक्स करने के लिए आपको बॉडी को स्थिर करना ही होगा। जब आप बॉडी को स्थिर कर लेते हैं, बॉडी में खुजली हो रही है, बॉडी हिल रही है, अकड़न हो रही है, आपको उस समय ध्यान को केवल अपने श्वास के साथ जोड़ना है, नाक से अंदर आ रही सांस और नाक से बाहर आ रही सांस। आप इस तरह से अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये करते करते आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी बाधा आती है वो है आपके मन के विचार। आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे मित्रों जो आपने शायद सोचे नहीं थे, बहुत पुराने, बहुत अंदर, बहुत दूर, ऐसी ऐसी जगह आपका मन आपको ले जाएगा, परेशान हो जाएंगे। परंतु उस समय परेशान नहीं होना है, उस समय आपने वापस अपने श्वास के साथ जुड़े रहना है। उन विचारों को इस तरह से देखना है जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर के ट्रैफिक को आते और जाते हुए देख रहे हैं। आप किसी भी स्कूटर के साथ जुड़ नहीं जाते, आप किसी भी कार के साथ, बस के साथ, साइकिल के साथ, किसी भी सड़क से गुजरने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ नहीं जाते, वो आए और निकल गए। क्योंकि जब भी आप किसी विचार के साथ जुड़ जाएंगे तो मन उस विचार को और बड़ा कर देगा, उस तरह के और अनेकों विचार आपके भीतर भर देगा, क्योंकि मन को यही लगेगा कि आप इस विचार पर तवज्जो दे रहे हैं, दैट मींस कि आपको ये विचार चाहिए। उस विचार की एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए विचारों के साथ नहीं जुड़ना, उनको विटनेस करना है।
श्वासों के साथ जुड़ना है। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि विचार भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, पर इसमें अभ्यास चाहिए। इसलिए निरंतर इस प्रैक्टिस को करते रहे और फिर आप जब डीप जाते हैं तो आपको ये सारा खजाना जिसकी मैंने अभी बात की है, ये सारा अपने आप मिलता है। ये समृद्धि, ये अबंडेंस आपको अपने आप मिलती है। इसीलिए आप देखते हैं एवरी मेडिटेटर इज हैप्पी। जो ध्यान को असल मायने में समझ करके करता है वो हैप्पी। जो केवल शारीरिक स्तर पर कर रहा है उसके बारे में कहना मुश्किल है। इसलिए ध्यान को समझें और करें। शुरुआत में आप 20 मिनट 25 मिनट से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे ये समय अवधि अपने आप बढ़ जाएगी। अब मेरे लिए एक ही टाइम पे 1 से 2 घंटे तक बैठना मुश्किल नहीं है, पता ही नहीं चलता है। परंतु शुरुआत में शायद मेरे लिए 10 मिनट बैठना भी विचारों का इतना सारा झमेला, झंझाल, ट्रैफिक मेरे सामने आ जाता था, पर मैं भी इसी तरह से बाहर निकला। इसलिए फॉलो दिस गाइडलाइंस और इस खजाने को, इस ट्रेजर को जो आपके भीतर ही मौजूद है, इसको पाएं और कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। आई एम वेरी श्योर कि आप में से अनेकों लोग इस सब को फॉलो करेंगे और अपने जीवन में बहुत कामयाब होंगे। यदि ये वीडियो और वीडियो में साझा किया हुआ नॉलेज आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और औरों के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक पहुंचे और ये रहस्य उनके सामने भी उजागर हो, ताकि वो भी उदासी से कामयाबी की ओर आगे बढ़े। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि भविष्य में होने वाले हमारे सभी प्रयास वीडियो के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। आप सदा आनंदित रहें।